उसके अंदर पेशेंट नहीं था मेरे, एकदम जस्ट बगल में गाड़ी खड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे मैंने कल बताया आप लोगों को ब्लॉग से, मेरे आज के ब्लॉग से आपको पता ही चल गया होगा कि मेरी ट्रिप कैंसिल हो चुकी है। मैं ऊपर आई थी एक्चुअली, वो पापड़ धूप में लगाने के लिए, धूप इतनी तेज है ना कि मैं बाहर नहीं जाने वाली किसी हालत में, ना आप लोगों को ले जाऊंगी। और यार गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो आप लोगों के भी शहर में ऐसा ही हालत है कमेंट करके ज़रूर बताना। कल भी मैंने बोला था, किसी ने कमेंट नहीं किया कि कैसी गर्मी हो रही है, यहाँ तो बड़ी गंदी है और भी से हो रही है, मई में क्या होगा। मैं तो धूप में जाती हूँ ऐसे। अरे रहे मेरे देखो खूबसूरत सा प्लांट्स, सब बेचारे धूप में भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। एक्चुअली मैं क्या ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है मई जून में ना, तो मैं यहाँ वाले रास्ते पे लगा देती हूँ, ये पूरा, ये जो पूरा कमरे की तरफ जाता है ना, यहाँ पे कर दूँगी। आज सोच रही हूँ कराती हूँ, धूप की वजह से पता है कोई माली भी नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से जिसको मैं हायर कर लेती हूँ रास्ते निकलते हैं, उनको ले लेती हूँ और करवा लेती हूँ प्लांट्स वगैरह। बट अभी गर्मी की वजह से शायद वो लोग भी नहीं निकल रहे, यार कभी अगर निकलेंगे सुनाई देगा तो मैं कराती हूँ। और आज ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर से, क्योंकि आज थोड़ा सो भी गई ज़्यादा और उठी फटाफट रेडी हुई, कामों में लग गई, पापड़ वापड़ ऊपर आई। एक बार आ चुकी हूँ मैं पहले भी सुबह, और कल से पता नहीं क्या हो गया है मेरे को, नीज में ये लग गई चोट, ऐसे चलते चलते टेबल से भिड़ गई थी, तो वो उस समय तो नहीं दर्द हुआ, बच्चा ऐसे जैसे चोट पुरानी हो रही है ना, दर्द हो रही है। दो बार मैं ऑलरेडी सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ, तब भी पेन बहुत हो रहा है, तो इसीलिए मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। लगाया है मूव वगैरह, बट भैया ना कितनी देर लगाओ, कुछ होगा नहीं, थोड़ी देर में फिर होने लगता है। खैर लेकिन काम तो करना ही करना है, और कैसे कैसे करके मैं चल रही हूँ। बाकी काम नीचे हो रहे हैं, अब मैं सफाई वफाई हो रही है तो मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेट हो जाता है, तो नीचे चल रही है सफाई वही झाड़ू वाड़ू वगैरह, तो नीचे हो जाए तो फिर वीडियो बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई शाम हो गई है और मैंने चाय वाय पी ली है, और अभी अभी अचानक से देखा कि मेरे पास ना घर पे कुछ भी सब्जी रेनॉल कुछ भी नहीं है, तो मैं जा रही हूँ, अब निकलती हूँ, अभी नहीं थोड़ा सा, अभी और थोड़ा सा बाहर हो जाए धूप, क्योंकि बहुत तेज है, क्योंकि मुझे क्लिप नहीं मिल रही थी, मैं वही ढूँढते, खड़क फड़ल आवाज़ आ रही होगी, तो मैं निकल रही हूँ, जाऊँ थोड़ी सब्जी वब्जी लेके आऊँ, चेंज नहीं करूँगी ऐसे ही जा रही हूँ, फटाफट लेके आती हूँ, क्योंकि होगी नहीं सब्जी तो मैं बनाऊँ क्या। एक्चुअली क्या था ना कि जाना था, ट्रैवल करना था, तो इसलिए मैंने सामान सारा ज़्यादा लिया नहीं लास्ट वीक, और जो था वो मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता तो ख़राब हो जाता। अब जब जाना नहीं है, जब ये डिसाइड हुआ है कि अब चलो भैया फिर फ्रिज भरे, तो जा रहे हैं सब्जी लेके आते हैं, दही भी ख़त्म हो गया, दही भी लाना है, तो फटाफट बस अब निकलते हैं, क्योंकि तो धूप में निकलना यार अभी आजकल पॉसिबल नहीं है, देखो इतनी गर्मी है ना, होता नहीं है। बस ज़्यादा और तैयार नहीं होना, निकलती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाहर। रेडी तो मैं हो गई, और बहुत सारा सामान लेना है, और वही मिलूँगी फिर, ठीक है। कि निकलना है आज ही कि नहीं, अब दुपट्टा भी लेना है, 2 मिनट के सब्जी लेने के जाने के लिए, तो कुर्ती बिना दुपट्टे नहीं है, पकड़ो सीधा क्यों दिया, ठीक है जैसे भी, मैं लॉक लगाना, हाथ ही मुड़ गया मेरा, कमरे की, हाँ तुम ही लास्ट कर दी, कमरे की कर दी, बाहर की तुमने, बाहर की तो मम्मी, चलो चलो बाहर चलो। ये देखिए एम्बुलेंस सबको रोका हुआ है, निकालने नहीं दे, उन
उनको चाहिए कि निकल जाए, वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के आगे वो निकल जाए तो निकल जाए, इस समय कोई चलान नहीं होगा। निकल गई। तो गाइस जैसे आप लोगों ने अभी देखा ना कैसे ट्रैफिक में एम्बुलेंस तक को भी नहीं जाने देते, ऐसे में आप लोगों को देखना चाहिए कि अगर सिग्नल नहीं भी है ना तो आप लोगों को निकल जाना चाहिए। हम लोग भी उतरे, उन लोगों को मतलब बताना पड़ा लिटरली कि आप निकलो, बट और उसके अंदर पेशेंट नहीं था मेरे, एकदम जस्ट बगल में गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये सब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसे में चलान का नहीं देखना चाहिए। खैर अभी तो फिलहाल क्लियर हो गया है। तो गाइज़ आज मुझे मिल ही गई वो 10 के 4 वाले मोमो की रेड़ी। तो गाइज़ यहाँ पे इनको बैठा एक पप्पी दिख गया है, कुत्ते का बच्चा, छोटा डॉगी। तो वो उसको जा रही है बिस्किट खिलाने, पैकेट गाड़ी में पड़ा ही रहता है, बहुत छोटा है, दूर से करना, कहीं उसकी अगर मम्मी पापा आ गए ना तो कूट डालेंगे तुमको, समझ में आ रहा है? नहीं खा रहा है अभी, या तो ये दोना पड़ा है, कुछ खाया है, खस्ता जलेबी कुछ खाया है, छोड़ दे। सुनो बाबू, बाबू 4-6 बिस्कुट वहाँ पे छोड़ दो, जब उसको खाना होगा वो खा लेगा, दे दो वहीं पे 4-5 बिस्कुट डाल दो, कोने में रख दो उसके मुंह के सामने। अब उसके सिर पे नहीं रखने, सामने रखने को बोला, और 2-4 रख दो। ठीक है उसको रख दो, छोड़ दो। ठीक है तो अब हम क्या करें? वो भी क्या? नहीं 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 नहीं, कद्दू दे दो, अच्छा छोटा सा कद्दू दे दो। प्याज के साइज देखो, कद्दू के साइज के हैं ये वाला, देखो सही होगा, नहीं तो चेंज कर लेना। प्याज का साइज देखो, तो गाइस मैं वापस आ चुकी, सब कुछ शॉपिंग टॉपिंग सब हो गई और फाइनली वापस आ गई। तो आज मैं वैसे वही बता रही थी कि देखो रास्ते में हम लोगों को एक वो एम्बुलेंस वाला जो केस हुआ ना, अच्छे खासी निकाल सकते थे उसको, लेकिन नहीं, वो सायरन दिए जा रही है लेकिन आगे वाली जो गाड़ी थे ना उनको कोई होश ही नहीं है, वो फोन पे लगे हुए हैं, उनको ये भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि भाई पीछे एम्बुलेंस है, उसमें पेशेंट था, हम लोगों ने देखा उसको पेशेंट था। फिर हम लोगों ने उतरे, उन लोगों को बोला भाई आप रेड सिग्नल मत फॉलो करो, इतना फॉलो करोगे कि वो बेचारा अंदर जो है वो निकल जाएगा। खैर उन लोगों को फिर कैसे तैसे निकाला, तब तक सिग्नल भी खुल गया था, सब हो गया था। लेकिन भाई ये सब चीज़ें ना बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, एम्बुलेंस वगैरह को कभी भी वेट नहीं कराना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। इतना तो अगर आएगा भी तो 100-200 रुपए का यार फाइन आता आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी अगर कभी कुछ ऐसा हो ना कि एम्बुलेंस अगर पीछे फंसी है तो आप उसको जाने दो, उसे रास्ता दो। तो खैर चलो जो भी है, तो चलो फिलहाल हो गया खाना, तो घर आते हैं, वो बाहर डॉगीज मिल जाते हैं, यहाँ पे भी खिला दिया, वहाँ पप्पी को भी खिला दिया, यहाँ को भी, के सारे पैकेट खत्म, सब गए, वो बैठे रहेंगे। चलो उनका भी खाना पीना हो गया, हम लोग भी बाहर से पानी के बताशे और टिक्की खा के आए हैं और चाय पी के आए हैं, तो हम लोग का भी खाना पीना हो गया है। बस भगवान को लगाएंगे भोग और फिर उनको भी सुला देंगे, फिर उसके बाद 10 बजे मेरा हो जाएगा लाइव का टाइम, और उससे पहले पहले मैं ब्लॉग को कर दूंगी अपलोड, मतलब शेड्यूल कर दूंगी कल सुबह के लिए। तो फिलहाल बस यही बताना था। तो और बनारस का ट्रिप तो खैर पता ही है आप लोगों को कि कैंसिल हो ही चुका है, खैर मैं बता ही चुकी हूँ कल, और बट वही है ना, अब उसी की वजह से आज अब सामान वामान लेने जाना पड़ा, क्योंकि सब्जियां सारी ख़त्म कर चुके थे, फ्रूट भी ख़त्म ऑलमोस्ट कर ही चुके थे, फिर वो भी खरीदे क्योंकि फिर मेरे को चाहिए रहते हैं सैलड के लिए, सब्जियां चाहिए रहती हैं, तो इसीलिए मैं लेने गई थी, दही चाहिए होता है, दही भी ख़त्म कर देता, क्योंकि फ्रिज के सामान जो भी आप छोड़ के जाओ 4-5 दिन में ना, फिर वो लौट के आओ खाने लायक रहते नहीं है। तो फिलहाल वही सब लेके आ गई, सब हो गया, और अब करती हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और पूरा ब्लॉग देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तब तक के लिए चलो टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।